हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, फाइनली मैं अपनी सेंसिटिविटी वीडियो लेके आ चुका हूँ। और उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी पूरे करने वाले हैं। सब्सक्राइबर नहीं बोलूँगा, हमारी यूट्यूब फैमिली 1000 होने वाली है गाइस। तो मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, ये सब आपके सपोर्ट की वजह से हुआ गाइस। तो गाइज़, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको बताता हूँ गाइज़ कि ये हमारी वीडियो जो है सेंसिटिविटी की, वो पूरी हैंड कैम बेस्ड होगी, ताकि मैं आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन कर सकूँ। और मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी सेंसिटिविटी अकॉर्डिंग टू योर डिवाइस कैसे फाइंड करें, जैसे कि मैंने की थी। देखो, एक्चुअली में क्या था कि स्टार्टिंग में जब हम लोग बहुत हमें नॉलेज नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी की सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेते हैं, जो कि एक पबजी प्लेयर के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने बड़े और अच्छे प्लेयरों से अगर आप सीखते हो तो कोई या कॉपी करते हो तो उसमें गलत नहीं है। क्योंकि मैं इससे पहले मैं व्यू को देखता था, तो मैंने उनकी सेंसिटिविटी सबसे पहले कॉपी की थी। लेकिन उसके बाद अकॉर्डिंग टू जो भी मेरी सेटिंग थी, मैंने धीरे धीरे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया उसको। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज़ आप भी अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना। जैसे कि मैं अभी आईफोन 11 में खेल रहा हूँ, और इससे पहले मैं पोको F1 में खेलता था, और उससे पहले मैं रेडमी नोट 4 में खेलता था। तो वो जो तीनों डिवाइस जो हैं, जो दोनों डिवाइस इसके पहले थे, वो दोनों डिवाइस में मेरी सेंसिटिविटी बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग थी। फिर मैंने इसमें उसी व्यू की कॉपी की, और फिर उसके बाद मैंने अकॉर्डिंग टू मेरे मूव्स, जैसे हैं मैं थंब प्लेयर हूँ, तो मैं कितना रिकॉयल कंट्रोल कर सकता हूँ, कितना फ़ोन डाउन करूँगा, जायरो यूज़ करता हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने अपने हिसाब से सब कुछ मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिए। तो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो छोटी बना रहा हूँ ताकि आप पूरी वीडियो देखो और पूरी एक एक पॉइंट को समझो गाइज। तो मैं समझाने के लिए आपको बताना चाहूँगा कि मैं हैंड कैम में स्विच करूँगा अभी, तो हम स्विच करते हैं हैंड कैम में। तो गाइज़ फाइनली हम लोग स्विच कर गए हैं हैंड कैम पे गाइज़। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे ही आप अपनी सेंसिटिविटी फाइंड कर लेना, जैसे कि कम्पिटिटिव प्लेयर को फाइंड करते हैं। जैसे जैसे मैं बताऊंगा बिल्कुल वैसे वैसे कर लेनी, जैसे कम्पिटिटिव प्लेयर लाइक जोनाथन स्काउट और जितने भी कम्पिटिटिव प्लेयर हैं, सब अपनी सेंसिटिविटी खुद ही सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू डिवाइस। तो गाइज़ आप भी बिल्कुल वैसे ही करना। तो गाइज़ मैं आपको अपनी सबसे पहले सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ। ये रही मेरे कैमरे की सेंसिटिविटी, और इसकी स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूँगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल में लिख दूँगा, तो आप एक बार ले लेना। ये सब मेरी सेटिंग है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा वीडियो के लास्ट में, और डिस्क्रिप्शन में सब मेंशन कर दूँगा अपनी सेंसिटिविटी। तो गाइज़ मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाना चाहता हूँ। जैसे ये कि थर्ड पर्सन कैमरा है, तो इसका क्या रोल होता है, और कैमरे का क्या रोल होता है, IDS का क्या रोल होता है, और जायरोस्कोप का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट है वो आप जान लो। जैसे कैमरे सेंसिटिविटी फ्री लुक थर्ड पर्सन कैमरा है जो होता है, जैसे ये मेरे अभी 190 है, इसको मैंने 1 कर दिया गाइस। तो आप समझ रहे हो, 1 जब मैंने कर दिया तो ये जो होता है कैमरे की जो सेटिंग होती है वो ये होती है, जो आई बटन होता है ना, जैसे आप 3D जैसे पीछे देखते हो तो उसे बोलते हैं फ्री लुक। तो ये फ्री लुक देखो मैंने 1 कर दिया अपना, तो देखो बिल्कुल मूव नहीं हो रहा है। देखो अब मैंने ये फ्री लुक जो था मेरा 190 था, तो मैंने इसे 190 कर दिया। अब देखो ये मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे डिवाइस के अकॉर्डिंग है, और ये मेरे लिए सूटेबल है। तो गाइज़ ये अपने अनुसार आप अपना कर लेना। वैसे अगर आप चाहो तो मेरी कॉपी कर सकते हो, और भी बहुत यूट्यूबर करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और ये जो कैमरा है, ये जो कैमरा ऑप्शन है, ये इसलिए होता है, जैसे ये जो जीरो अगर हम कर देंगे तो इसमें कुछ नहीं आपको दिखेगा, क्योंकि ये जो कैमरे की सेटिंग है वो ये बताती है, जब हम लोग पैराशूट से ड्रॉप करते हैं ड्रॉप लोकेशन पे, तो जो लेफ़्ट राइट करते हैं ना, वो उस सेटिंग को वही बोलते हैं कैमरे में। तो इसे मैं कर देता हूँ जितने भी थे। अब ये फर्स्ट पर्सन कैमरा मान लो मैंने ज़ीरो कर दिया, तो ये मैंने फर्स्ट पर्सन पर मैं आ गया। अब कैमरा जब मैंने ज़ीरो कर दिया, तो अब मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये कैमरा फ्री लुक का मतलब है सेंसिटिविटी, फ्री लुक सेंसिटिविटी ये है जो FPP पे है। तो इसको मैंने ज़ीरो कर दिया, तो ये बेसिक पॉइंट था कैमरे सेंसिटिविटी। अब चलते हैं गाइस सेंसिटिविटी में जो दूसरा पॉइंट है, कैमरा कैमरा थर्ड पर्सन नो स्कोप, थर्ड पर्सन मतलब TPP हो गया, तो नो स्कोप। तो जैसे ये है मेरा M4, अब इसमें स्कोप नहीं है, ठीक, तो ये होता है नो स्कोप। जैसे ये जो मूवमेंट होती है ना, उसे बोलते हैं कैमरा कैमरे की मूवमेंट। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, सेंसिटिविटी में गए थर्ड पर्सन नो स्कोप, अब इसे हम ज़ीरो कर दिए,
तो जब जीरो कर देंगे तो ये देखो नो मोमेंट, आप देख रहे हो कोई मोमेंट नहीं हो रहा है। अब वही मैं कैमरे में, हाँ सेंसिटिविटी में गया, कैमरे का जो सेटिंग था वो मैंने इतना कर दिया, अब देखो पूरा मोमेंट हो रहा है। तो ये मेरे डिवाइस के अकॉर्डिंग है गाइस, तो ये आप कॉपी कर लेना फिर अपने अनुसार इसे सेट कर लेना। तो सिमिलरली ऐसे थर्ड फर्स्ट पर्सन के लिए भी होगा। अब बात करते हैं रेड डॉट होलो की, मैं एग्जांपल एज अ रेड डॉट के ले रहा हूँ। तो जब रेड डॉट के लोगे तो ये रेड डॉट, अब मैं रेड डॉट के सेंसिटिविटी पे गया और 45 था, मैंने ज़ीरो कर दिया। अब ये देखो नो मोमेंट, लेफ्ट राइट कर रहा हूँ कोई मोमेंट नहीं है। तो ये होती है कैमरे की सेटिंग। अब मैं इसे फिर 48 पे कर देता हूँ जैसे थी मेरी सेटिंग। अब मैं दिखाता हूँ ये मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि जब मैं स्प्रे करता हूँ तो राइट बटन का यूज़ करता हूँ लेफ्ट राइट करने के लिए। वैसे तो मैं फुल जायरो खेलता हूँ, तो जायरो के हिसाब से मैं रिकॉर्ड वगैरह कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभी ना ये मोमेंट करनी पड़ती है मेरे को लेफ्ट राइट। अब मैं चलता हूँ, वैसे ही सिमिलरली 3x 6x सबकी है, मैं अभी आपको दिखा दूँगा। जैसे मान लो 6x की मेरी ये सेंसिटिविटी, मैं दिखाता हूँ आपको 6x को 3x में कन्वर्ट कर दूँगा। ये मेरी 6x की सेंसिटिविटी है, आप देख लो। अब हम बात करेंगे ADS की। ADS मतलब होता है थर्ड पर्सन। अगर ADS का पहले फुल फॉर्म जो होता है एम डाउन साइट बोलते हैं हम लोग, एमिंग डाउन साइट। तो ये जो होता है मतलब जैसे मैंने थर्ड पर्सन में उसको पे कर रखा है अभी, तो इसे ज़ीरो कर दिया, वन कर दिया मतलब मान लो। तो ये जो मूवमेंट होगा ना मेरा जब स्प्रे करेंगे, तो देखो कोई मूवमेंट नहीं है, देखो लेफ्ट से स्प्रे कर रहा हूँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इसे बोलते हैं नो स्कोप, तो नो स्कोप ADS बोलते हैं। जब जैसे हम लोग जो शूट करते हैं, एक होता है कैमरा, कैमरा एक अलग चीज़ है ये, और जब शूट करते हैं तो ये होता है ADS। गैस ये डिफरेंस है दोनों में। अब सेंसिटिविटी में जाते हैं, जो भी हमारे ADS सेटिंग थी उसे फिर कर देते हैं, जो भी होगा वो मेरे पास शॉर्ट है, मैं सेव कर लूँगा, फिर से सेटिंग सही कर लूँगा। सिमिलरली होलो के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 48 है मेरा, तो मैंने इसे वन कर दिया। ठीक, अभी ये देखो जब वन कर दिया तो देखो ये जो कहाँ गया सेंसिटिविटी ADS, जब मैं स्प्रे करूँगा तो देखो लेफ्ट राइट कहीं नहीं लेगा, बिल्कुल ये स्प्रे कर रहा हूँ लेफ्ट राइट कहीं भी नहीं हो रहा। तो ये हो गया ADS, मतलब शूट करते समय जो भी हम लोग रिकॉयल कंट्रोल करते हैं ना, तो वो ADS के अकॉर्डिंगली होता है। तो इसे मैंने फिर अपने सेटिंग पे छोड़ दिया। ठीक है गाइस, तो सिमिलरली ये 3x 6x सबका होगा। अब हम लोग चलते हैं जायरो की तरफ गाइस। अब जायरो पे जाते हैं, पहले इसकी सेटिंग अपनी सही कर लेते हैं, 48, इसको भी 48 कर लेते हैं, ये वन हो गया। अब ये जायरो की मेरी सेटिंग है। तो गाइस जायरो सिंपली क्या होता है, जो भी हमारे डिवाइस का मूवमेंट होता है, जो भी हम लोग टिल्ट करते हैं अपने रिकॉयल कंट्रोल करने के लिए बिना टच किए, उसे हम लोग जायरोस्कोप कहते हैं। तो गाइस ये अगर आप चाहो तो ऐसे ऐसे फुल भी कर सकते हो, क्योंकि अगर देखो ये डिपेंड करता है डिवाइस पे। अब मैं अभी आईफोन 11 में खेलता हूँ, और जब मैं इससे पहले पोको में खेलता था तो ये सब मेरे फुल थे, पर मैंने इसे अपने अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है। तो मैं अपने डिवाइस के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को आदत हो गई है और मेरे को पता चल जाता है कि कहाँ कोई दिक्कत आ रही है। तो गाइज़ आप भी सब समझ ही गए होगे, तो अब आप भी समझ जाओगे। जैसे मान लो ये मेरा रेड डॉट का जो है मैंने फुल कर रखा है, तो मैं होलो पे गया, होलो रेड डॉट पे, तो ये जो है मेरा ये होता है जायरो। तो जो मैं जब स्प्रे करता हूँ तो जायरो के हिसाब से, जैसे मान लो कि मूविंग कार कोई जा रही है, तो मैं अपने ऐसे 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 स्प्रे कर लेता हूँ, तो ये होता है जायरो। और रेड डॉट में मैं फुल रखता हूँ, ताकि क्योंकि ये छोटा सा होता है इसको, तो इसमें हर चीज़ हर एक चीज़ दिख जाती है, तो उसका अंदाज़ा लग जाता है, इसलिए लोग फुल रख लेते हैं। और रिकॉल करने में देखो रिकॉल कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है इसको। ठीक है, ऐसे ही 6x पे जाते हैं हम, 6x। अब ये देखो इस पर देखो ये पूरा टिल्ट करूँगा मैं, एक तरह से ना ये जो है ना पूरी रिकॉल कंट्रोल करने में हेल्प करेगा हमारी। तो ये हो गया जायरोस्कोप गाइस। अब देखो मैं फुल जायरो खेलता हूँ, तो अब मैं गया सेंसिटिविटी में, ये रहा थर्ड पर्सन नो स्कोप, ये 300 मैंने कर रखा है, मान लो इसको कम कर दिया तो देखो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये हो गया इसकी सेंसिटिविटी गाइस। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना गाइस, और तब तक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगली ट्रेनिंग ड्रिल किस टॉपिक पर बनाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।